आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का अपडेट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरे कॉरिडोर का अपडेट पता चलेगा सिंगल वीडियो में। मेरठ में RRTS कॉरिडोर में ही मेट्रो भी बनाया जा रहा है, यानी कि RRTS के ट्रैक पर ही मेरठ में मेट्रो भी चलाया जाएगा, तो इसका भी अपडेट देखेंगे। इसके अलावा प्रायोरिटी कॉरिडोर में क्या क्या काम बचा है और इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसके साथ ही दिल्ली से मेरठ तक का पूरा कॉरिडोर कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का अपडेटेड मैप है। ये कॉरिडोर दिल्ली में सरायकाले खां से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर एक और स्टेशन ऐड हुआ है, जंगपुरा। ये दिल्ली में एक और स्टेशन होगा RRTS का, जो कि साउथ दिल्ली में मथुरा रोड से कनेक्टेड होगा। जंगपुरा में RRTS के ट्रेन्स के लिए स्टेबलिंग यार्ड बनाया गया है और यहाँ पर एक स्टेशन भी बन रहा है। यहाँ देखिए, ये है सरायकाले खां RRTS स्टेशन और ये है जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड। सरायकाले खां से यहाँ तक RRTS का कॉरिडोर बनाना काफी चैलेंजिंग था। ये सोसाइटी इसके बीच में आ रही थी, तो इस सोसाइटी के बीचों बीच से RRTS पास करेगी। जंगपुरा के अलावा दुहाई डिपो में भी एक स्टेशन बनाया गया है। यहाँ देखिए, यह है दुहाई स्टेशन और इसके आगे यह है दुहाई डिपो स्टेशन, और इसके आगे दुहाई डिपो है जहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा। RRTS कॉरिडोर के ट्रैक पर ही मेरठ में मेट्रो भी चलेगी। मेरठ साउथ से लेकर मोदीपुरम तक RRTS के ट्रैक पर ही मेरठ मेट्रो चलाया जाएगा, लेकिन मेरठ मेट्रो के लिए इस कॉरिडोर में कुछ एक्स्ट्रा स्टेशन भी बन रहे हैं। RRTS के स्टेशन के अलावा मेरठ में इस कॉरिडोर में टोटल 8 मेट्रो स्टेशन भी बन रहे हैं। ये मेरठ मेट्रो का मैप है, तो मेरठ में चलने वाली मेट्रो तो सभी स्टेशन पर रुकेगी, जबकि RRTS केवल RRTS के स्टेशनों पर ही, यानी कि मेरठ साउथ के बाद शताब्दी नगर, फिर बेगमपुर और मोदीपुरम ही रुकेगी। तो मेरठ मेट्रो को किसी और वीडियो में काफी डिटेल में देखेंगे, इस वीडियो में केवल RRTS पर फोकस करते हैं। तो दिल्ली में जंगपुरा से मेरठ में मोदीपुरम डिपो तक RRTS के पूरे कॉरिडोर में फुल स्पीड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी पूरे कॉरिडोर के सभी स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क देखेंगे। लेकिन इस कॉरिडोर का प्रायोरिटी सेक्शन है 17 किलोमीटर का, साहिबाबाद से दुहाई तक का सेक्शन। प्रायोरिटी कॉरिडोर में टोटल 4 स्टेशन है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई, और अगर दुहाई डिपो को भी इसमें इंक्लूड कर दें तो प्रायोरिटी कॉरिडोर में टोटल 5 स्टेशन हो जाएंगे। 17 किलोमीटर के इस प्रायोरिटी सेक्शन का काम अब फाइनल स्टेज में है, ट्रायल रन भी हो चुका है। इस सेक्शन में अगर ट्रायल रन की बात करें तो सबसे पहले पिछले साल अगस्त में ही इस सेक्शन में ट्रायल रन किया गया था। लेकिन अब हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है और 2 महीने बाद, यानी कि जून में, इस कॉरिडोर में रैपिड रेल की शुरुआत होने वाली है। तो पहले देखते हैं प्रायोरिटी सेक्शन का अपडेट और फिर देखेंगे पूरे कॉरिडोर में क्या क्या काम अभी हो रहा है। तो प्रायोरिटी कॉरिडोर में ट्रेन्स का ट्रायल रन हो रहा है, मतलब ट्रैक्स तो पूरी तरह से कंप्लीट है, काम केवल स्टेशन बिल्डिंग का बचा है, और स्टेशन बिल्डिंग का काम भी अब फाइनल स्टेज में ही है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं साहिबाबाद स्टेशन। ये प्रायोरिटी कॉरिडोर का पहला स्टेशन है, यानी कि शुरुआत में यहीं से रैपिड रेल स्टार्ट होगी। ये स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। स्टेशन के नीचे देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी को डेवलप किया जा रहा है। तो स्टेशन का काम तो लगभग फाइनल है और जो काम बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट करने के लिए दिन रात मजदूर मेहनत कर रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेशन है गाजियाबाद। इस स्टेशन का काम भी अब फाइनल स्टेज में है, यहाँ भी फिनिशिंग वर्क हो रहा है। वैसे तो आरआरटीएस कॉरिडोर का यह 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन पूरा का पूरा गाजियाबाद में ही है, लेकिन यह मेन स्टेशन होगा गाजियाबाद का। इस स्टेशन का लोकेशन देखिए, स्टेशन के तीन तरफ या फिर ऐसे कहें इस स्टेशन के चारों तरफ रोड ही है और चारों तरफ रोड के बीच में यह स्टेशन बनाया गया है। इसके अलावा यह मेट्रो से भी कनेक्टेड है। यह है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन और यह है शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन में है। और मेट्रो स्टेशन के इस तरफ यहाँ पर बस अड्डा भी है। यह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी अब फंक्शनल है। इसके साथ ही यहाँ पर सोलर पावर प्लांट भी बनकर तैयार है। गाजियाबाद के बाद नेक्स्ट स्टेशन है गुलधर। यहाँ पर भी स्टेशन बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम हो रहा है। यहाँ देखिए सर्विस रोड का काम हो रहा है। स्टेशन बिल्डिंग में एस्केलेटर लग गया है, ये ऑपरेशनल भी है। इसके साथ ही स्टेयर्स भी अब रेडी हैं। प्लेटफॉर्म पर स्टोन की पॉलिशिंग हो रही है, तो ओवरऑल ये स्टेशन भी लगभग फाइनली है। नेक्स्ट स्टेशन है दुहाई। यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग की एक्सटीरियर फिनिशिंग का काम हो रहा है और प्रायोरिटी कॉरिडोर का लास्ट स्टेशन है दुहाई डिपो। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सारे स्टेशन तो एलिवेटेड हैं, जबकि ये स्टेशन ग्राउंड लेवल पर ही बनाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है और इसकी फिनिशिंग वर्क प्रोग्रेस में है। दुहाई डिपो में ट्रेन का मेंटेनेंस होगा, स्टाफ की एक पूरी टीम रहेगी यहाँ पर। ये देखिए एडमिन ब्लॉक बनकर तैयार है और इसमें काम भी शुरू है। अभी तक रैपिड रेल के 8 ट्रेन सेट दुहाई डिपो आ गई है। रैपिड रेल के कोच गुजरात के सांवली में बन रहे हैं और बाय रोड ही इसे गाजियाबाद में दुहाई डिपो तक लाया जा रहा है। दुहाई डिपो में ही इन ट्रेन्स को असेंबल किया जाता है और असेंबलिंग के बाद ट्रैक पर ये रेडी हैं ऑपरेट होने के लिए। इस समय इस डिपो में टोटल 5 ट्रेन खड़ी है, हालांकि इस डिपो में टोटल 16 ट्रेन्स के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। तो प्रायोरिटी कॉरिडोर में ट्रैक्स रेडी हैं, स्टेशन का काम फाइनल स्टेज में है, ट्रेन डिपो में खड़ी है, ट्रायल रन हो गया है और 2 महीने बाद यानी कि जून में इस रूट में रैपिड रेल शुरू हो जाएगी। प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन को देखने के बाद आइए अब देखते हैं बांकी के स्टेशन का अपडेट। ये सरायकालेखां स्टेशन है। स्टेशन बिल्डिंग में सिविल वर्क प्रोग्रेस में है, काफी बड़े एरिया में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी तो केवल दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए अलवर कॉरिडोर का भी काम शुरू हो रहा है। इस कॉरिडोर में प्राइमरी वर्क हो गया है और इसका तीसरा कॉरिडोर है दिल्ली से पानीपत, जो कि अब करनाल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सभी कॉरिडोर दिल्ली में सरायकालेखां से स्टार्ट होगा, इसीलिए सरायकालेखां स्टेशन आने वाले टाइम में एक मेगा जंक्शन हो जाएगा। सरायकालेखां के आगे बारापुला फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए आरआरटीएस का कॉरिडोर गाजियाबाद की तरफ आगे बढ़ती है। सरायकालेखां के बाद नेक्स्ट स्टेशन है न्यू अशोकनगर। यहाँ पर भी सिविल वर्क फुल स्पीड में हो रहा है। नेक्स्ट स्टेशन है आनंद विहार। आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। अंडरग्राउंड सेक्शन में दिन रात काफी तेजी से काम हो रहा है। आनंद विहार मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनेगा। यहाँ पर रोड, रेल, मेट्रो और आरआरटीएस सारे ट्रांसपोर्ट के मोड उपलब्ध होंगे। आनंद विहार टर्मिनल एक शानदार रेलवे स्टेशन है, जहाँ से दिल्ली के लोकल एरिया के अलावा लॉन्ग डिस्टेंस की भी काफी सारी ट्रेनें ऑपरेट होती है। आनंद विहार ISBT से DTC की लोकल बस के अलावा इंटरस्टेट बस भी ऑपरेट होती है। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के 2-2 लाइन है, ब्लू लाइन और पिंक लाइन। और अब यहाँ पर RRTS का स्टेशन भी बनाया जा रहा है। केवल आनंद विहार ही नहीं, RRTS के काफी सारे स्टेशन पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होने वाली है। जैसे सरायकालेखां के पास ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ISBT भी है और यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। इसके साथ ही गाजियाबाद RRTS भी मेट्रो के साथ साथ बस अड्डा से भी कनेक्टेड है।
तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आनंद विहार के बाद अगला स्टेशन है साहिबाबाद, जो कि प्रायोरिटी कॉरिडोर का पार्ट है और प्रायोरिटी कॉरिडोर के बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। तो प्रायोरिटी कॉरिडोर के बाद नेक्स्ट स्टेशन है मुरादनगर। यहाँ भी स्टेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है, इधर देखिए प्लास्टरिंग की जा रही है। नेक्स्ट स्टेशन है मोदी नगर साउथ। यह है मोदी नगर नॉर्थ आरआरटीएस स्टेशन। मेरठ में पहला स्टेशन है मेरठ साउथ। फिर परतापुर, उसके बाद रिठानी, लेकिन ये आरआरटीएस का स्टेशन नहीं है, ये मेरठ मेट्रो के स्टेशन है। चूंकि इस कॉरिडोर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ ही हो रहा है, इसीलिए ये सब स्टेशन भी आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आरआरटीएस स्टेशन है शताब्दी नगर। फिर मेरठ मेट्रो के स्टेशन है ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल और भाईसाली। इसके बाद आरआरटीएस के स्टेशन है बेगमपुल। ये स्टेशन अंडरग्राउंड है, यहाँ पर देखिए अंडरग्राउंड सेक्शन में भी कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्पीड में हो रहा है। आरआरटीएस के पूरे कॉरिडोर में केवल दो स्टेशन ही अंडरग्राउंड है, एक तो ये बेगमपुल और दूसरा स्टेशन है आनंद विहार। बेगमपुल के बाद फिर तीन स्टेशन है मेरठ मेट्रो के, एमईएस कॉलोनी, दौरौली और मेरठ नॉर्थ। उसके बाद आरआरटीएस का लास्ट स्टेशन है मोदीपुरम, हालांकि इसके बाद मोदीपुरम डिपो भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पूरे सेक्शन के सभी स्टेशन का अपडेट देखा। अगर इसके कंप्लीशन डेट की बात करें तो 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर तो 2 महीने बाद यानी कि जून में ही स्टार्ट होने की उम्मीद है, जो कि साहिबाबाद से दुहाई तक का सेक्शन है। और इसका सेकेंड स्ट्रेच यानी कि दुहाई से मेरठ साउथ का सेक्शन नेक्स्ट ईयर मार्च तक यानी कि मार्च 2024 तक कम्प्लीट होने की उम्मीद है। और ये पूरा कॉरिडोर 2024 के लास्ट तक यानी कि दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।